1942 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए आंदोलन में गाजीपुर के बहुत सारे लोगों ने सहभागिता निभाई थी। उन्हीं में से एक है रामधारी पहलवान, जो नंदगंज में मालगाड़ी लूटने में अपना सहयोग दिया था। इसके बाद अंग्रेज शासक उन्हें लगातार खोजते रहे और उस घटना के बाद से देश आज़ाद होने तक रामधारी पहलवान भूमिगत रहे। 1947 में देश की आज़ादी के बाद फिर से सक्रिय हुए और वे राजनीति से जुड़े व लगातार 40 वर्ष तक देवकली ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रहे। आज उस स्वर्गीय रामधारी पहलवान की 18वीं पुण्यतिथि ब्लॉक परिसर में धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी अडगड़ानंद जी के शिष्य नारद जी महाराज रहे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि पहलवान नरसिंह यादव, जो अर्जुन पुरस्कार विजेता भी हैं, वो भी रहे। इस दौरान कार्यक्रम में काफी भीड़ देखने को मिली। कार्यक्रम के आयोजन में सच्चेलाल यादव ने इस कार्यक्रम को लेकर क्या बताया, आइए सुनते हैं। स्वयं अपना कल्याण कर चुके हैं, कल्याण स्वरूप से स्थित हैं। जब हम उनका ध्यान करते हैं सदगुरु का, क्योंकि यह मनुष्य पहले से ही जड़ है, जाग जाग जीव जड़, जो है जग जागनी, इसलिए कहते हैं। तो उनके अंतराल में जो कुछ भी विभूति है, ऐश्वर्य है, वह क्रमशः हमारे बहुत से महापुरुषों का जयंती मनाया जाता है और यह गांव की तरफ स्थली रही है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भी 2 साल गाजीपुर की क्षेत्र में, गाजीपुर की धरती पर तपस्या में रहे। गुरु भगवान आपको हरदम पत्र कहना है, जहां से सहूं सीखे को शाश्वत शांति की प्राप्ति करा देता है, वह है गुरु। और ऐसे गुरु बिल्ले होते हैं। एक बार भगवान शंकर से माँ पार्वती ने पूछा कि भगवान, यह अज्ञानी जन जीव किस माध्यम से, किस तरीके से इस भगवत पर की दूरी को तय करके उस परम श्रेय कल्याणकारी मार्ग को प्राप्त करने वह कौन सा रास्ता है। तो भगवान शंकर ने बताया कि माँ पार्वती, तूने बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न किया है और वह है गुरु तत्व। और उसके लिए बताया कि आगे कैसे सदगुरु हमें मिल गए हैं, तो हम उनकी पूजा करें। पूजा 2 तरह से होती है। एक तो धार्मिक कार्यों में हम लगते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं। दूसरी सेवा है, ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष मेरे हमें उपलब्ध हैं, तो हम उनकी मानसिक सेवा करें, मन कर्म वचन से धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके उनकी मानसिक पूजा करें। सत्यजी, आज जो ये कार्यक्रम रहा, किस तरह कार्यक्रम रहा, उद्देश्य क्या रहा इसका? यह कार्यक्रम है स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा स्वर्गीय रामधारी पहलवान, जो देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की परवाह न करते हुए गांधी जी के आह्वान पर देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और 18 अगस्त 1942 को नंदगंज की जो क्रांति है, उस क्रांति में उन्होंने मालगाड़ी का डब्बा लुटवाया और उसमें अंग्रेज शासकों ने उनके ऊपर गोली बरसाया, उनके जंघे में गोली लगी और गोली लगने के बाद भी वो अंग्रेज सिपाहियों से हार मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद जो है उनको बाद में जिंदा मुर्दा पकड़ने का आदेश हुआ था और वह भग करके छिप गए। फिर देश की आज़ादी के बाद, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब वो सामने आए और आने के बाद देवकली ब्लॉक में जब त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू हुई, उसमें उन्होंने सन 1961 से लेकर के और 2000 तक, माने लगातार 40 साल तक निर्विवाद ब्लॉक प्रमुख पद पर कायम रहे और देवकली के जनता का बहुत बढ़ करके हमेशा सेवा करने का काम करते थे। आज उनके कार्यक्रम का, आज उनका पुण्यतिथि का कार्यक्रम, आज में कौन-कौन आज मुख्य अतिथि थे और क्या रहा? आज मुख्य अतिथि थे स्वामी परमहंस अग्रानंद जी के शिष्य स्वामी नारद जी महाराज जी आज मुख्य अतिथि थे और विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्र धरोहर
ओलंपियन नरसिंह पहलवान जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में राष्ट्रमंडल के खेलों में हिंदुस्तान को स्वर्ण पदक दिलाने का काम किया था। महाराष्ट्र में वो 3 बार महाराष्ट्र केसरी भी रह चुके हैं और एशिया चैंपियन भी रह चुके हैं और इस समय वर्तमान में वो भारतीय कुश्ती संघ एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष भी हैं। क्या उद्देश्य रहा इस तरह का आयोजन करने का? आयोजन करने का मूल उद्देश्य यही रहा कि इससे जो है जो देश के जो वीर सपूत हैं जो देश के लिए कुर्बानी दिए हैं इनको हमेशा हम लोगों का काम है जो आने वाली हम लोगों की पीढ़ी है ये उनको हमेशा उनके नाम को जिंदा रखे और इसलिए जो है इनकी हर साल हम लोग पूरी तिथि मनाने का काम करते हैं।